दुर्घटनाग्रस्त कोयला मजदूरों पर लाठीचार्ज के खिलाफ राजनयुक्त का प्रतिवाद। तारांकन कहा, दमन के बावजूद रोजगार के लिए संघर्ष आगे बढ़ेगा। तारांकन माले समर्थित झारखंड जनरल मजदूर यूनियन झाजेमयुक द्वारा आज बागमारा में एक आउटसोर्सिंग कंपनी के छटनी ग्रस्त आंदोलनकारी मजदूरों पर बर्बर लाठी चार्ज के खिलाफ एक प्रतिवाद कार्यक्रम का आयोजन कर सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया गया। गिरिडीह सदर प्रखंड के मकबिटो में आयोजित प्रतिवाद कार्यक्रम की अगुवाई यूनियन नेता सह माले के गिरिडीह ग्रामीण प्रभारी पप्पू खान एवं प्रधान टुडू ने करते हुए मजदूरों पर हमले के खिलाफ जोरदार संघर्ष चलाने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद माले नेता सह ICCTU के राष्ट्रीय पार्षद राजेश कुमार यादव ने अपने संबोधन में कहा कि बागमारा BCCL ब्लॉक 2 के केशरगढ़ा एवं बेनीडी साइडिंग में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी SMSJV जॉइंट वेंचर द्वारा छटनी किए गए 292 मजदूरों को काम पर रखने तथा उन्हें हाई पावर कमेटी किया। आज झारखंड जनरल मजदूर यूनियन भाकपा माले ICCTU आदि के बैनर तले हम लोग गिरिडीह प्रखंड के मकपितो में एक प्रतिवाद कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके जरिए हम लोग बागमारा में जो परसों 10 तारीख की शाम को शांतिपूर्ण मजदूरों के धरना पर जो पुलिस का बर्बर लाठी चार्ज हुआ और अलावे हजारीबाग में भी जो किसान मुआवजा को लेकर के आंदोलन कर रहे थे उनके ऊपर जो लाठी चार्ज हुआ, इन दोनों ही घटनाओं का हम लोग विरोध करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि धनबाद में जो बागमारा में एक आउटसोर्सिंग कंपनी में काम कर रहे 292 मजदूरों को जिस तरह त्योहार के मौके पर उनको छटनी करके काम से बैठा दिया गया, ये बहुत ही गलत कार्रवाई है और हम समझते हैं कि इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार की भी पूरी असंवेदनशीलता जाहिर हुई है। हम मांग करते हैं कि छटनी किए गए सभी मजदूरों को तत्काल काम पर रखा जाए और हजारीबाग में भी जो आंदोलनरत लोग हैं वहां उन्हें भी उनका मुआवजा का मांग को पूरा किया जाए और इस घटनाओं में जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। हमारी पार्टी के विधायक विनोद सिंह के नेतृत्व में हमारी पार्टी और यूनियन की एक टीम ने घटनास्थल जाकर के और वहां के पीड़ित लोगों से मुलाकात भी किया है। हम मजदूरों की लड़ाई के साथ हैं और साथ ही साथ यहां गिरिडीह में धनबाद बागमारा में हुए पुलिसिया जुल्म की बर्बरता के खिलाफ मजदूरों पर जिन्होंने लाठी चार्ज किया है और 292 मजदूरों को इस त्यौहार में इस गरीबी और भुखमरी के दौर में छटनी कर दिया है और हजारीबाग में भी खबरें आई है कि किसानों की जो उपजाऊ जमीन थी वहां पे किसी प्लांट के माध्यम से जो वहां का डस्ट उड़ रहा है उस जमीन को, वहां के पानी को, वहां के जानवरों को और वहां के आदमियों को जितना नुकसान हो रहा है उसके खिलाफ आज झारखंड जनरल मजदूर यूनियन के बैनर तरह हम लोगों ने आज गिरिडीह के धोबीडी गांव में, मकपिटो गांव में हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके वो 292 मजदूरों की जो छटनी हुई है उसे और उसके ऊपर जो पुलिसिया बर्बरता की है उस पुलिस वालों पर कार्रवाई हो और उनके इस केस मुकदमा जो किया गया है उनको वापस लिया जाए। हजारीबाग के किसानों का जमीन नुकसान हुआ उसका मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड जनरल मजदूर यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाग पमाले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ICCTU जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोजगार के लिए संघर्ष तेज करो, तेज करो, तेज करो। रोजगार के लिए संघर्ष तेज करो।